नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जनपद आजमगढ़ में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर स्थित बचपंडे केयर सेंटर में श्री कृष्ण पाल जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता में सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 15 दिव्यांगजनों को कान की मशीन एवं 18 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर का वितरण किया गया। उसके अतिरिक्त विद्यालय में उपस्थिति 47 बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म एवं चॉकलेट का वितरण जिला अध्यक्ष के द्वारा किया गया। इस अवसर पर महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत बचपन डे केयर सेंटर आजमगढ़ में अध्ययनरत 66 बच्चों को लाभान्वित किया गया। इस अनुसार अवसर पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्री शांक सिंह, सुरेंद्र लाल गौतम, कनिष्ठ सहायक समन्वयक बचपन डे केयर सेंटर श्री सुभाष चंद्र एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। मैं शशांक सिंह, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आजमगढ़। आज विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर हमारी एक संस्था है बच्चों की, जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं वर्ष 3 से 7 तक के, बचपन डे केयर सेंटर। उसमें भाजपा के माननीय जिलाध्यक्ष श्री कृष्णपाल जी द्वारा जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें सरकार के द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाती है, तो उस यूनिफॉर्म का वितरण माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त बच्चों को चॉकलेट और चिप्स का भी वितरण माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा किया गया। इसके बाद हमारे विभाग की जो योजना चलती है कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, उस योजना के अंतर्गत हमारे आज उपस्थित दिव्यांगजनों को करीबन 15 दिव्यांगजन जो उपस्थित थे कान की मशीन उन्हें दी गई और 18 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर माननीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से आज उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त हमारी जो योजना है शादी विवाह प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत अगर कोई पुरुष या वर दिव्यांग है तो उसे 15,000 रुपये और कोई अगर वधु या महिला दिव्यांग है तो उन्हें 20,000 रुपये, टोटल अगर दोनों दिव्यांग दंपति हैं तो 35,000 रुपये तक का प्रोत्साहन की धनराशि सरकार के द्वारा दी जाती है। तो इस वित्तीय वर्ष में 5 नवीन स्वीकृति वाले शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र दिया गया। इसी तरह दुकान निर्माण जो अन्य योजनाएं हमारी, उसके अंतर्गत दुकान संचालन योजना में 10,000 रुपये दिए जाते हैं, उसके भी 5 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र आज दिया गया। और दिव्यांग पेंशन की जो नवीन स्वीकृतियां हुई हैं उसमें भी 5 ऐसे दिव्यांगजन जिनकी प्रथम किश्त इस बार सरकार के द्वारा प्रेषित की गई है उनको भी प्रमाण पत्र देकर अन्य जो उपस्थित जनमानस था उनको सारी योजनाओं के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त जिला प्रोबेशन कार्यालय के अंतर्गत एक योजना चलती है स्पॉन्सरशिप, जिसमें 18 वर्ष तक बच्चों को प्रत्येक माह 4,000 रुपये तक की धनराशि दी जाती है। तो दिव्यांगजन जितने हैं उनको 4,000 रुपये पर मंथ 18 वर्ष तक सरकार दे रही है। तो बचपन डे केयर सेंटर में आज जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबको 100% जिला प्रोबेशन कार्यालय की तरफ से आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर उनको 100% उसका लाभ दिया गया है।